से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पांच का पंच में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ का दौरा किया। केदारनाथ धाम में साधु संतों ने पीएम का स्वागत किया, तो पीएम मोदी ने सबसे पहले केदारनाथ के निर्माण कार्य का जायजा लिया है और फिर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करने के साथ साथ रुद्रा अभिषेक भी उन्होंने किया। बता दें कि पीएम की केदारनाथ आने की सबसे खास वजह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण करना था। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। लंबे अरसे के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा की और मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनीय है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इनमें से एक मॉडल को चुना गया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। इस प्रतिमा का निर्माण ब्लैक स्टोन से किया गया है। प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था और 9 लोगों की टीम ने तकरीबन एक साल में इसे तैयार किया है। इसी साल सितंबर में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और उत्तराखंड को करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी संबोधन के दौरान 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को याद करके भावुक हो गए और कहा कि केदारनाथ अब फिर खड़ा हो रहा है। साथ ही पीएम ने आने वाले अगले दशक को उत्तराखंड का बताया और कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन में काफी बढ़ोतरी होने वाली है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी, उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों के एक सुखद अनुभव होगा। देशवासियों को छठ समेत अन्य सभी पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने जय केदार के उद्घोष के साथ अपने संबोधन का समापन किया। दरअसल पीएम मोदी बाबा केदार के बड़े भक्त हैं। यहां उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। वो यहां हर साल आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते वो पिछले साल बाबा केदार के दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला केदारनाथ दौरा है। अपने पहले कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला केदारनाथ दौरा
पहले कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 4 बार आए थे केदारनाथ। 3 मई 2017 को केदारनाथ का पहला दौरा, 20 अक्टूबर 2017 को दूसरा केदारनाथ दौरा, 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ दौरा, 18 मई 2019 को चौथी बार केदारनाथ का दौरा। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सीएम धामी ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।